मूवी जो है वो तो जैसा कि डायरेक्टर ने आपको बताया और आर्टिस्ट ने भी आपको एक्सप्लेन किया कि बेसिकली ये दोस्ती पे आधारित फिल्म है। मैं जब फर्स्ट टाइम हरीश कुटियन से मिला, हरीश और संदीप मुझसे मिले और वो इस सब्जेक्ट पे फिल्म बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने मुझे सब्जेक्ट सुनाया तो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि दोस्ती पे जितनी भी आज तक फिल्में बनी हैं वो सारी हिट हैं। और ये जो कहानी थी इसका नरेशन मैंने जब लिया तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म से मैं अपने प्रोडक्शन की शुरुआत कर सकता हूँ। ये मेरी फर्स्ट मूवी है और मैंने इसको जो है पूरे दिल से बनाया है। इसमें म्यूजिक, इसमें जो लोकेशन है, आर्टिस्ट हैं, सबका बहुत अच्छा योगदान रहा। बात करें कमर्शियल वे में, फिल्म बिजनेस के वे में, आजाद को लिए खास मकसद? एजाज को लेके खास मकसद नहीं था, एजाज मेरा फ्रेंड है। दूसरी बात ये कि मैं ऐसे बजट में बनाना चाह रहा था कि मेरी फर्स्ट मूवी है, डेट का इशू नहीं हो, डेट की प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जब फिल्म बना रहे हैं तो उसका एक बजट पहले से डिसाइड होता है, तो मेरा जो बजट था मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी जो है वो साइन नहीं कर सकता। बट एजाज है, साहिल है, हर्ष है, जो न्यू कमर है, उनको लेके मैं एक अपना मतलब वेंचर स्टार्ट कर सकता हूँ। स्टेज काफी भरा हुआ था, पंजाबी है, वेदी साहब है, तो जी काफी इसमें सिखो भरा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मैंने जैसे कि तारा सिंह जी बताया वो बहुत ही मतलब जो है मेरे करीब हैं और मेरे पिताजी की उम्र के भी हैं और काफ़ी अरसों से जुड़े हुए हैं, तो एक सम्मान होता है और बुज़ुर्गों का। मेरे पिताजी होते तो मैंने जैसा कहा कि उनके साथ भी मैं इसी तरह था। तो तारा सिंह जी जो हैं वो बीजेपी से हैं, एमएलए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतने फ्रेंडली हैं कि कोई भी उनको मिल सकता है, कोई भी काम कराया जा सकता है। और मतलब जो लोग थे वो सब क्लोज लोग हैं, तो वो पंजाबी हों और बाकी कास्ट के हों, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम सब भाई हैं और आपस में सब मिलजुल के हमने फिल्म बनाई है। जी, इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट है आपके पास? इसके अलावा मैं आम्रपाली कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरी पाइपलाइन में कोई ना कोई चाहिए है, बुले शाह है, मीरा है, तो इसकी मैं स्क्रिप्ट कर चुका हूँ। आम्रपाली का मैं म्यूजिक कंप्लीट कर चुका हूँ, उसका फर्स्ट लुक लॉन्च कर चुका हूँ, उसकी काफ़ी एक शेड्यूल भी कर चुका हूँ, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं पाइपलाइन में मतलब जो है वो रखी हैं। तो हाँ जी, मेरा नाम है श्रेया शालीन और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अपने प्रोड्यूसर बलदेव सिंह बेदी सर का, बिकॉज़ ये मेरा डेब्यू है एज अ प्लेबैक सिंगर और ये जो मौका मुझे मिला है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। बिल्कुल, ये सॉन्ग है विद शान आई सॉन्ग, सॉन्ग का नाम है ओ साहिबा एंड हिमांशु सर एंड सुमेश सर ने इसका म्यूजिक दिया है। तुमसे ही तुमसे है मेरा जहां, तुम जो ना हो गए तो मैं जाऊं कहां, तुम मिले तो है मिली जैसे मुझको जिंदगी जगी है मुझ में कुछ उम्मीद रही। ओ साहिबा साहिबा, ओ साहिबा साहिबा। म्यूज़िक काफ़ी न्यू एज है, बहुत ही जैज़ ब्लूज़ टाइप है, काफ़ी पेपी लव सॉन्ग है और श्रेया ने काफ़ी अच्छा गाया है, उसमें शान ने भी बहुत बढ़िया इनपुट्स दिए, सो वी वर ग्लैड टू वर्क एज अ टीम। कौन कौन आ जाता है अब?
साइलेंस। अब कोई साइलेंस थोड़ी होने वाला है यार मेरे भाई। अगर बात करें आपने ट्रेनर की, चूस लिया खून आज, कहाँ बोलिए। आज मुबारक हो, लवली का ट्रेनर लॉन्च हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? बस मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा मीडिया को और सब लोगों को जो यहाँ पे आए, मुझे सपोर्ट किया, मेरे सारे फ्रेंड्स मीडिया, थैंक यू सो मच। बस इसी तरह मेरी फिल्म को भी अगर प्यार मिले तो बहुत अच्छा होगा। और किस तरह की मूवी है ये? फ्रेंडशिप फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है और दोस्तों पे कहानी है, जो यूथ में आजकल दोस्ती ख़त्म होती जा रही है उस पर है। एक दोस्त है जिसके वजह से सबके लग जाते हैं, वो मैं हूँ। अच्छा है ना? देखो, दोस्तों के साथ वक्त का पता नहीं चलता है, पर वक्त के साथ साथ दोस्तों का पता ज़रूर चलता है, ये याद रखना। आप दोस्त के साथ रहोगे, ये रहोगे, लेकिन आपको एंड में जाके मालूम पड़ेगा आपका सच्चा दोस्त कौन है। जो वक्त बिताता है वही दोस्त होता है। एजाज, दोस्ती में काफ़ी विश्वास रखते हैं कि अभी हमने देखा कि आपके फैंस फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? मेरे लिए दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अब तक मेरे जैसा दोस्त नहीं मिला, यही फिल्म है। ये जितना मैंने मेरे दोस्तों को दिया है मैं अपने दोस्तों से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्ती सिर्फ देने का नाम है, लेने का नहीं। प्यार सिर्फ देने का नाम है, लेने का नहीं। आपके साथ और कौन कौन है इसमें? इसमें साहिल आनंद है, हर्ष नागर है, सालू सिंह है और हरीश संदीप डायरेक्टर है, बहुत ही इंटेलिजेंट डायरेक्टर है और बहुत ही सुलझे हुए डायरेक्टर। मेरा किरदार सबके लगाने वाला है, ज़्यादा आप बोलें आपकी भी लगा देगा। थैंक यू। मेरा नाम संदीप चौधरी है। और मेरा हरीश कोटियान। सर, ये लवली इसमें आप डायरेक्ट किया, किस तरह की मूवी है, स्टार कास्ट की बात करें? सागर से तो आप बात कर चुके हैं, मिस्टर एजाज खान है, एक मास लेवल पे काफ़ी उनका पॉपुलरिटी है। और ये फिल्म है दोस्ती के ऊपर है, फ्रेंडशिप है, तो आज के दौर में दोस्ती के मायने निकलते जा रहे हैं। मतलब पैसा है तो दोस्त है, पैसा कम हुआ तो दोस्ती धीरे से कटने लगते हैं, तो वो दौर चल रहा है। उस दौर में एक रियल फ्रेंडशिप कैसी होती है हम इस फिल्म में दिखाना चाह रहे हैं। बोल क्या? दोस्ती पे फिल्म है ना? फिल्म दोस्ती पे है ना? इधर रियल दो दोस्त, शायद एजाज को दो जन लगते हैं संभालने के लिए। ये फिल्म जैसे इन्होंने बताया दोस्ती पे है, दोस्ती पे हम इतनी फिल्में देखते आए हैं, मतलब शोले से लेके पता नहीं कितनी फिल्में बनी हैं, और ये फिल्म हमेशा ऐसी फिल्में जो हैं दोस्ती की हिट करती हैं ऑडियंस को। पता नहीं क्या बात है इस, मतलब आप अगर देखोगे लव स्टोरी के बाद अगर कोई चीज़ अगर ऑडियंस को हिट करती है तो वह है दोस्ती। और मेरे ख्याल से ये लव से भी ज़्यादा बहुत बड़ा इमोशन है दोस्ती का। तो आप ये फिल्म देखिए, और बहुत अच्छी बनी है ये फिल्म, एंड आई होप ये ऑडियंस इसको बहुत अच्छी लगे। एक लाइन में स्टोरी के अगर दोनों से बात करें, बताना स्टोरी किस तरह की? स्टोरी कम से कम शब्द में बोला जाए तो एक एक अटूट रिश्ता, चाहे अच्छा हो बुरा हो, चाहे पेरेंट्स उसको डांटते हो, घर से निकाल दिए जाते हैं, फिर भी इनकी दोस्ती टूटती नहीं है, क्योंकि दोस्ती जो है दिल का रिश्ता होता है, खून का नहीं, तो दिल से निभाया जाता है, यही हमने इसमें फिल्म में दिखाया जाता है। एजाज की बात करें, कैसे केमिस्ट्री है एजाज खान के साथ? और अभी सुलझे हुए हो गए, काफी काम कर चुके हैं, का आउटस्टैंडिंग एक्टर है, स्पॉन्टेनियस बहुत है वो। मेरे ख्याल से काफ़ी इंडस्ट्री में काफ़ी एक्टर्स हैं जो इतने स्पॉन्टेनियस नहीं है जितना एजाज खान है। ऑन द स्पॉट वो कुछ ऐसा ऐड कर देता है जिसको जो सीन में कुछ चार्म लेके आता है, एंड आउटस्टैंडिंग है वो एज एन एक्टर। थैंक यू। बलदेव सिंह बेदी। मैं पाइपलाइन में मतलब जो है वो रखी है। तो हाँ जी, मेरा नाम है श्रेया शालीन और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी अपने प्रोड्यूसर बलदेव सिंह बेदी सर का, बिकॉज ये मेरा डेब्यू है एज अ प्लेबैक सिंगर, और ये जो मौका मुझे मिला है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। बिल्कुल, ये सॉन्ग है विद शान आई सॉन्ग, सॉन्ग का नाम है ओ साहिबा, एंड हिमांशु सर एंड सुमेश सर ने इसका म्यूजिक दिया है। तुमसे ही तुमसे है मेरा
ना जा तुम जो ना हो गए तो मैं जाऊं कहां, तुम मिले तो है मिली जैसे मुझको जिंदगी जगी है मुझ में कुछ उम्मीद रही। ओ साहिबा साहिबा ओ साहिबा साहिबा। म्यूज़िक काफ़ी न्यू एज है, बहुत ही जैज़ ब्लूज़ टाइप है, काफ़ी पेपी लव सॉन्ग है और श्रेया ने काफ़ी अच्छा गाया है, उसमें शान ने भी बहुत बढ़िया इनपुट्स दिए, सो वी वर ग्लैड टू वर्क एज अ टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।